हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑटोमेटिक खिचिया पापड़ बनाने की एकदम छोटी सी मशीन, जिस मशीन को आप अपने घर पे ही लगा सकते हैं और अपने नॉर्मल जो पावर है, घर का पावर, उसी पावर पर चलेगा। आटा गूंथने के बाद यानी खिचू तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद आप मशीन में लगा दीजिए। आपका जो साइज़ का पापड़ चाहिए, छोटा बड़ा, वो साइज़ का एडजस्टमेंट भी हमने मशीन के अंदर दिया हुआ है। एक बार जब आपका खिचू बन के रेडी हो जाएगा, उसमें से पापड़ बन जाए, तो फिर उसको आप किसी भी तरीके से लेके प्लेट के ऊपर ले सकते हैं, कोई कपड़े के ऊपर ले सकते हैं, या फिर कोई स्टैंड बना के उसको आप सुखा सकते हैं। देखिए किस तरीके से वेस्टेज भी जितना निकल रहा है, वो आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर वापस जा रहा है। इस तरीके से आप देखिए पापड़ कितना बारीक बन रहा है, साथ साथ में कितना सारा पापड़ एक साथ में बन रहा है। जिस काम को करने के लिए लोगों को हाथ से पूरा दिन चला जाता है, वो एक काम में मशीन, छोटी सी मशीन, कुछ मिनटों के अंदर करके दे देती है। साथ में इस मशीन का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आप जो हाथ से बना रहे हैं, उससे भी बेटर फिनिशिंग, एक सरखा सबका शेप रहेगा, सबका वेट भी सेम रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। साथ साथ में इसको आप हाथ से जो पापड़ बना रहे, उससे भी बारीक पापड़ इस मशीन में आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप एक ही मशीन के अंदर उड़द के, मूंग के, चावल के, बेसन के, साथ साथ में खिचिया पापड़ के अंदर भी आप गेहूं का, चावल का, कोई भी खिचिया पापड़ बनाना चाहते हैं तो इस मशीन के अंदर आप आराम से बना सकते हैं। आपको लगे थोड़ा बहुत पापड़ सूख गया है, उसके बाद जो ये पेपर है, उस पेपर से निकाल के इसको आप डायरेक्ट जो एक फर्श दिया गया, उस फर्श के ऊपर रख सकते हैं। जैसे आपके पास जगह है, उस तरीके से आप सुखाने का सिस्टम सेट कर सकते हैं। स्टैंड के ऊपर भी सुखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। आप एक बार देखिए पापड़ कितना बारीक बन रहा है। जो चीज़ आप हाथ से नहीं कर सकते वो ये मशीन करके दे रहा है। इसके अंदर आपको जीरा वाला, प्लेन, जो भी पापड़ बनाना है वो बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।